आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई मुहिम मैं भी चौकीदार के बारे में पिछले हफ्ते से मोदी जी ने सोशल मीडिया पर मुहिम चालू की है उनके मंत्रिमंडल का बीजेपी का हर एक मंत्री कह रहा है कि मैं भी चौकीदार हूं मोदी जी ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया हर मंत्री ने भी चौकीदार लगाया और मोदी जी के सारे के सारे समर्थक या भक्त कहने लगे हम भी चौकीदार है नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं अकेला चौकीदार नहीं हूं जो जो इस देश में भ्रष्टाचार सामाजिक कुरितिया या गंदगी के खिलाफ लड़ रहा है वो भी चौकीदार है जो इस देश के विकास में शामिल है वो भी चौकीदार है उनके हिसाब से वो अकेले चौकीदार नहीं है उनके साथ जो जो खड़ा है वो भी चौकीदार है मोदी जी की यह मुहिम अचानक नहीं शुरू हुई है जाहिर है कि ये राहुल गांधी के आरोपों का जवाब है राहुल गांधी ने राफेल के मामले में मोदी जी पर गंभीर आरोप लगाए थे आम सभा में उन्होंने कहा था कि चौकीदारी चोर है दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए बस ये शब्द कहना चौकीदार उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार 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 चौकीदारी चोर है यह स्लोगन बहुत ही पॉपुलर हो रही थी मोदी जी के मन में ये बात जाकर बैठी थी उनको इसका जवाब देना ही था तो अभी उन्होंने ये मुहिम चलाई कि मैं भी चौकीदार हूं मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मुझे चोर कह रहे तो इस देश का हर एक नागरिक अगर कहेगा कि मैं भी चौकीदार हूं तो क्या राहुल गांधी उसको भी चोर कहेंगे ये एक राजनीति है मोदी जी ये बताना चाहते हैं कि आप मुझे चोर कहो लेकिन इस देश के लोग मेरे साथ है तो क्या आप उनको भी चोर कहेंगे मेरा दूसरा सवाल पुलवामा आतंकवादी हमले के बारे में है। मोदी जी तो महा चौकीदार है और उनके पास साथ हजारों लाखों चौकीदार है इन सारे चौकीदारों को मुझे पूछना है पुलवामा में आतंकवादी हमला कैसे हो गया क्या इंटेलिजेंस वेल्यूर था वहां सीआरपीएफ के काफिले में यह सुसाइड बॉम्बर जीप आतंकवादियों की कैसे घुस गई ढाई सौ तीन सौ किलो आरडीएस कैसे पाया गया क्या पहले इसकी जानकारी किसी को नहीं थी आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला है अगर मोदी जी खुद को चौकीदार कहते हैं और कहते हैं मैं भी चौकीदार हूं तो हम जो चौकीदार नहीं है उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर यह इंटेलिजेंस फेलियोर है तो किस पर कार्रवाई की गई यह भी हमें बताइए देश की सुरक्षा के बारे में आप हमेशा कहते हैं कि देश की सुरक्षा मेरे हाथ में ठीक है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए तो अगर पुलवामा आतंकवादी हमले के बारे में हमारे मन में कुछ शंकाएं है उनका जवाब आप नहीं देंगे तो कैसे हम कहेंगे कि आप हमारे चौकीदार हैं मेरा तीसरा सवाल है अखलाक से लेकर जुनैद तक जिन जिन युवकों की हत्या गोरक्षा के नाम पर हुई है उनके बारे में अगर मोदी जी आप चौकीदार हैं और आपके समर्थक इतने सारे चौकीदार है तो अखलाक को क्यों नहीं बचाया गया जुनैद को क्यों नहीं बचाया गया पुना में आपके प्रधानमंत्री होने के बाद मोहसिन शेख की हत्या हो गई उसको क्यों नहीं बचाया गया क्या आपके राज्य में चौकीदार एक धर्म के लोगों को बचाता है और दूसरे धर्म के लोगों को नहीं बचाता ऐसा तो नहीं है क्या आप जवाब देंगे इसके बारे में चौकीदार मोदी जी से मुझे यह भी पूछना है कि आपके ही राज्य में रोहित वेमूला ने आत्महत्या की आपने उसको क्यों नहीं बचाया रोहित वेमुला जैसे कई सारे दलित युवक है जो शिक्षा ले रहे हैं जो पीएचडी एच तक पहुंचे हैं लेकिन उनको उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही क्या ये शिकायतें कभी आपके कानों पर पड़ी है आपने कुछ किया है आपने जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कुछ आदेश दिया है या अगर आपने ये शिकायतें सुनी नहीं है तो क्यों सुनी नहीं है इन सवालों का जवाब हमें मिलना चाहिए आपके ही उत्तर प्रदेश राज्य में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को लगाकर जेल जेल में में डाला गया एक साल उसे जेल में रखा गया एक एक साल साल उसे रखा के बाद जो कुछ राजनीति हुई उसको छोड़ा गया दलितों के साथ इस प्रकार का व्यवहार आपकी सरकार क्यों कर रही है मोदी जी आप अगर चौकीदार है तो इसका जवाब आपको देना चाहिए चौकीदार मोदी जी आपके राज्य में किसान भी खुश नहीं है आपने कहा था किसान को एमएसपी मिल जाएगा उसके आय से 50 प्रतिशत ज्यादा एमएस की उसको दिलाने का वादा आपने चाय पे चर्चा पर किया था लेकिन पिछले पांच साल में कुछ नहीं हुआ किसानों ने इतने आंदोलन किए इतने मोर्चे निकाले संसद तक जा पहुंचे लेकिन आपने उनकी नहीं सुनी किसान आज पूछ रहे हैं ये अमीरों का चौकीदार है ये हमारे किस काम का मोदी जी आप इतने बड़े चौकीदार हैं लेकिन आपकी नजर के सामने ही विजय मल्या नीरव मोदी मेहुल चोकसी भाग गए मुझे मालूम है कि इन्होंने जो कर्जा लिया था वो पिछली सरकार के वक्त का था लेकिन क्या आपके सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि उनको रोके उनके ऊपर कार्रवाई करे आज भी जब ब्रिटिश सरकार आपसे कोई कागजात मांग रही है नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो भी आपकी सरकार उनको ठीक तरह से जवाब भी नहीं दे रही कैसे समझे कि आप अच्छे चौकीदार हैं? चौकीदार मोदी जी आपने कहा था कि आप भारत की अर्थव्यवस्था के पहरेदार हैं। आपने का निर्णय लिया। आप कहते थे कि ये बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है इससे सारा का सारा ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा लेकिन ब्लैक मनी तो छोड़ दो इससे गरीबों की हालत खराब हो गई कई लोगों को जाने गवाने पड़ी छोटे धंधे वाले हो मजदूर हो इनको रोज की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया लेकिन आज तक आपने यह कभी नहीं कहा कि मेरी गलती हो गई ये जो निर्णय था वो गलत हो गया आप अभी भी इस गलत निर्णय का समर्थन करते हैं कैसे आप पर विश्वास करे कि आप अच्छे चौकीदार हैं चौकीदार मोदी जी वही बात जीएसटी की जीएसटी कोई नई बात नहीं है मनमोहन सिंह सरकार को ही जीएसटी को लागू करना था लेकिन तब आपने और आपकी पार्टी ने इसका विरोध किया आज भी जीएसटी को छोटे व्यापारी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन में बड़ी दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों को आपको दूर करना चाहिए आज भी व्यापारियों में बड़ा असंतोष है लेकिन आप उनके सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते मुझे बताओ वो कैसे मानेंगे आपको चौकीदार चौकीदार मोदी जी सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है 2014 के चुनाव के वक्त आपने कहा था कि इस समस्या पर आप ध्यान देंगे और इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन पिछले पांच साल में कुछ नहीं हुआ है जब अर्थशास्त्री आप पर कुछ आरोप लगाते हैं या आपकी गलतियां बताते हैं तो आपकी सरकार गलत आंकड़े पेश करती है इससे तो यह समस्या हल होने वाली नहीं है आप कम से कम बेरोजगारों को चौकीदार की नौकरी दे ये हमारी आपसे गुजारिश है मोदी जी अंत में एक बात आप खुद को चौकीदार कहलाते हैं लेकिन जो सचमुच में चौकीदार है वॉचमैन है उनको इस देश में ठीक ढंग से सैलरी भी नहीं मिलती मेरी एक बिनती है आपसे कि आप जब तक ये मुहिम चला रहे वो खत्म होने से पहले इनके ऊपर का अन्याय दूर हो इनको सैलरी मिले कम से कम चौकीदारों को न्याय मिले इस देश में मोदी जी क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं आपसे चौकीदार मोदी जी ऐसे कई सारे सवाल जनता पूछ रही है लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने जो अभियान चलाया है मैं भी चौकीदार हैशटैग के साथ क्या यह अभियान असली मुद्दों पर से जनता का ध्यान उठाने के लिए चलाया है क्योंकि जनता अगर किसानों के बारे में सवाल पूछेगी जनता अगर नौकरियों के बारे में सवाल पूछेगी जनता अगर अखलाक के बारे में जुनैद के बारे में या फिर पुलवामा के बारे में जवाब पूछेगी तो आपके पास सही जवाब नहीं है तो ये नया खेल शुरू करो सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ मैं भी चौकीदार अगर मैं चौकीदार हूं तो आप भी चौकीदार है ऐसा आप लोगों को कह रहे हैं इसका मतलब अगर चौकीदार चोर है तो सारे चोर है यह भी होता है क्या आप इसका जवाब देंगे आप क्यों कहलवाना चाहते हैं सबसे कि वो चौकीदार है चौकीदार तो आप है तो जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए आप क्या यह नहीं कर रहे कि सबको चौकीदार कहके ये जिम्मेदारी बांट रहे अगर सरकार के कामयाबी की जिम्मेदारी आपकी है तो सरकार के नाकामयाबी की जिम्मेदारी भी आपकी है तो यह खेल आप बंद कीजिए आप कहिए मैं चौकीदार हूं जो भी गलतियां हुई है पांच साल में उसकी जिम्मेदारी हमारी है अगर यह नहीं होगा तो चौकीदार होते हुए भी जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी